स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम आपके इंग्लिश क्लास थर्ड का यूनिट नंबर 6 जो पोम है टेंस का, आज हम करने वाले हैं वर्कबुक सॉल्यूशन। तो जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जैसे कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और जैसे कि क्वेश्चन 4 तक, सारी चीजें हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो कर क्या रहे हो, सबसे पहले वो वीडियो देखो। वो सॉल्यूशन आपको आपकी वर्कबुक में लिखना है, उसके बाद ये वीडियो देखना स्टार्ट करो। आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर है 27। रिमेंबर दैट आपको आपकी इंग्लिश की वर्कबुक निकालनी है, पेज नंबर 27 ओपन करो और उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा गया है राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखना है जो भी हमें दिए गए हैं उसके। तो सबसे पहला है हियर, मतलब कि यहाँ पे, तो देयर मतलब कि वहां पे, ये हुआ इसका अपोजिट वर्ड। फिर है डस्क का अपोजिट क्या होगा, डॉन होगा। डस्क मतलब कि जो इवनिंग होता है तब, और डॉन मतलब कि जो सुबह की जो पहली किरणें होती है ना, वो जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं, डॉन बोलते हैं। देन आफ्टर डे अस्लीप, सोया हुआ होता है, उसका अपोजिट क्या होगा, वेक, मतलब कि जागा हुआ। आफ्टर दैट ईजी, बहुत ही ईजी होता है, उसका अपोजिट क्या होगा, बहुत ही मुश्किल, तो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। फर्स्ट तो क्या आएगा, लास्ट। ब्लैक तो क्या आएगा, व्हाइट। बहुत ही आसान है अपोजिट वर्ड, ये आपको बाय हार्ट लर्न करना है क्योंकि आगे जाके ये बहुत ही काम आने वाले हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हो बच्चा पार्टी, वी सी मैनी पर्सन एट द रेलवे स्टेशन। ओके, ये सही बात है कि जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो आप काफी सारे पर्सन को वहां पे देखते हो। हमें करना क्या है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू आइडेंटिफाई देम। अब बहुत सारे पर्सन होते हैं, हमें यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उसमें कुछ लेटर मिसिंग है, हमें उसको फिल करना है, हमें प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना है और जो फिल करना है वो सही करना है। तो सबसे पहला है गार्ड, तो रेलवे स्टेशन पे गार्ड होता है, तो क्या आएगा, GUARD, बाय हार्ट स्पेलिंग लर्न करना है। उसके बाद है पोर्टर्स, उसके बाद है बुक सेलर। तो आपने देखा ही होगा रेलवे स्टेशन पे होते ही है, क्यों होते हैं कभी सोचा है आपने, क्योंकि लोग जो ट्रेन में है ना, लोग जब लंबी सफर पे जाते हैं ना तो उनको बुक रीड करना बहुत ही पसंद है, या न्यूज़पेपर वाले भी आपने देखा होगा, तो वो सफर में वो बुक रीड कर सकते हैं, फिर वो पेपर रीड कर सकते हैं, ये सारी चीज वो कर सकते हैं। आफ्टर दैट है डी में देख सकते हो वेंडर्स, उसके बाद है पैसेंजर, और ये जो एफ है ये आपके लिए दिया गया है कि आपको ये खुद फिल करना है, बट अगर आप फिल नहीं कर पाते तो क्या करना है, मैसेज करो, विल टेल यू द आंसर। और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर यस इसका ये आंसर है, ये आपके लिए आज रखा गया है सरप्राइज। फिर देखो 7th नंबर पे, नेम द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे देखो अ रोड ट्रांसपोर्ट आइडियल फॉर कैरिंग लोड। लोड्स मतलब कि जो भी माल सामान होता है उसके लिए सबसे सूटेबल व्हीकल कौन सा है, तो कौन सा आएगा, ट्रक आएगा। आफ्टर दैट हम देखते हैं बी में, इट इज सूटेबल फॉर सी ट्रांसपोर्ट, मतलब कि समंदर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि चाइना से हमें कुछ लाना है तो हम हवा में तो ला नहीं सकते, एरोप्लेन में नहीं ला सकते, इसके लिए हमें क्या जरूर पड़ेगी, शिप की जरूर पड़ेगी। तो जब सी ट्रांसपोर्ट होता है तब हम यूज करते हैं शिप का यूज करते हैं, इसमें हजारों टन सामान यहाँ से वहां समंदर के रास्ते में एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं। आफ्टर दैट सी देखो आप, अ कॉमन व्हीकल हैविंग टू व्हील्स एंड नो इंजन, ऐसा व्हीकल जो उसके दो व्हील्स तो होते हैं बट उसमें इंजन नहीं होता, ऑब्वियसली क्या आएगा, बाइसिकल है। हमें ऑलरेडी एज अ आंसर हमें फोटो दिया गया है, हमें सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करके हमें उसका स्पेलिंग लिखना है। आफ्टर दैट डी दे सकते हो, डी में क्या लिखा गया, एन एयर ट्रांसपोर्ट दैट कैरीज मैनी पर्सन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पे हवा में तो चलता है और साथ में काफी सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम टाइम में वो पहुंचाता है, तो एक ही है, वो क्या है, एरोप्लेन। आफ्टर दैट ई, वैसे एरोप्लेन है वो एक्सपेंसिव है और सबसे ज्यादा चिपेस्ट, तो वो क्या है, हमारा रेलवे है, इसमें ज्यादा हमें देना पड़ता है नहीं क्या पैसे। ई में देखो, इट रन्स ऑन अ पैरेलल ट्रैक्स, इट कैरीज मैनी पैसेंजर, अब देखो इसका ट्रैक्स उसका खुद का ट्रैक होता है, ऐसे कोई रोड पे चलती है नहीं ये चीज, और
ये ऐसी चीज़ है वो बहुत सारे पैसेंजर को एक साथ लेके जाती है। तो फोटो में देख सकते हो क्या है, ट्रेन है। तो आंसर क्या आएगा इसमें हमारा, ट्रेन आंसर आएगा। तो बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बट वेट वेट वेट, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर देन मैसेज मी ओके, और कमेंट बिलो द वीडियो ओके। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।